जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी, आपका न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है। सर, गोपाल केशावत जी घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वो सड़क पर घूमते हुए दो तीन दलालों के साथ थे, बताया जा रहा है अभी तक की जानकारी में, 7.5 लाख रुपए के साथ ट्रैप हुए हैं। उसको पांच छह दिन पहले मैंने पत्रकार वार्ता की थी, मैंने ये बताया था कि आरएस स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा है, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी, रिटायर्ड व्यक्ति को चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया, और 9 नाम मैंने बताए थे निजी कॉलेज जिनके उनको कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी दे दी। तो ये चारों तरफ से आरपीएससी की इंटेग्रिटी खत्म हो गई है, और जो केशावत जिसको कह रहे हैं रेंड हैंडेड पकड़ा है 7.5 लाख रुपए देके, तो ये प्रमाणित है, मैंने जो आरोप लगाए सही है कि सब वहाँ बिक रहे हैं, सारा पैसे दे देके आरएस बन रहे हैं। तो क्या आखिर में होगा इस प्रदेश का, कैसे अधिकारी जाके सिलेक्ट नहीं? किरोड़ी लाल जी, ये तो देखिए नो जीरो टॉलरेंस है सरकार की कि अपने आदमी हो या कोई भी आदमी हो, कोई बख्शा नहीं जाता, वो पकड़ा जाता है। देखिए राजस्थान सरकार की एसीबी ने पकड़ लिया, जीरो टॉलरेंस। पर ये जीरो टॉलरेंस एकाध लोग मामले में दिखाई जाती है, दिखाने के लिए जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के नाम पर फुल वो है, पूरा चल रहा है दिखावा का, जीरो टॉलरेंस है दिखावा को। तो डीपी चारोली भी कर दिया, वो कटारा भी कर दिया, अब अपने जल जीवन मिशन में क्या किया, 200 करोड़ की फाइलें का सेक्रेटरी से कर डाली। तो मैंने माइंस का घोटाला 66,000 करोड़ का किया, DOIT का किया, क्या की उनके खिलाफ कार्रवाई, दिखावे में एक दो कार्रवाई करके कह देते हैं जीरो टॉलरेंस का हमारा, बट ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है। सांसद जी देखिए, 2021 की या आरपीएससी के आरएएस की परीक्षा, अब इंटरव्यू होने थे, बोर्ड गठित होना था, अब आप कैसे देखते हैं? पहली तो बात ये कि ये इन लोगों की तरफ से जो बात सामने आ रही है, कहा गया कि भाई जो बोर्ड बैठेगा उसमें हम जानते हैं आपकी भर्ती करा देंगे, और उसके बाद भर्ती के बाद जो नियुक्ति होगी वो भी मलाईदार ओहदे और पोजीशन पर जगह पर आपकी करेंगे, ताकि जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप वसूल भी सको। करप्शन है, मैं आपको कह रहा हूं ना, जब मैंने कहा था भाई फुल बोर्ड की जो टीम होती है वो तय करती है इंटरव्यू, लेकिन 3 ही मेंबर हैं, और ये जब तक ये आरपीएससी में मेंबर के नॉमिनेशन में दखल बंद नहीं होगा यूपीएससी की तरह, तब तक ये भ्रष्टाचार, नियुक्तियां, पैसे लेकर आरएस बनाना, सब इंस्पेक्टर बनाना, सब कुछ चलता रहेगा, पारदर्शिता तो नहीं। ये तो परिवादी एक आए सामने जिन्होंने शिकायत की और फिर एसीबी को टिप मिला, उन्होंने ये कार्रवाई दी, अब ऐसे परिवादी भी तो होंगे जो ये चाहते थे कि भाई हमारा काम बन जाए पैसे देकर, वो शायद सामने नहीं आते हों, बहुत सारे होंगे। आपको पता है रीट में वो सामने लोग नहीं आए जो जिन्होंने पैसे दिए 10-10 लाख रुपए, और वो जो सामने आते तो एसओजी उनको अंदर डाल देती, पर एसओजी ने वो काम नहीं किया कि आखिर में पेपर किसने लीक किया, मतलब जो मगरमच्छ है उसको नहीं पकड़ा, जिनको पेपर मिला उनको पकड़ की रही, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जांच एजेंसियों का, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई चाहे कितना ही बड़ा हो उसको पकड़ना चाहिए। तो किरोड़ी लाल जी देखिए, 18.5 लाख की बात सामने आ रही है, जैसे परिवादी ने बताया कि 18.5 लाख रुपए पहले दे दिए थे और आज 7.5 लाख रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़े गए, मतलब इनको जोड़ लीजिए 18.5 और 7.5 को, तो ये 26 लाख हो गए, तो 26 लाख में आरएएस में भर्ती, ये ठीक ठाक रेट है क्या आपको लगता है? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर की है, 25-30 लाख रुपए आरएस की रेट है, ये रेट तय है इन दलालों की। अब ये बड़ा मामला जब सामने आया है तो किरोड़ी लाल मीणा लगातार भ्रष्टाचार और इस तरह के मामलों को उजागर करते रहे, बात सामने लाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, अब ये जब चीज सामने आई है तो किरोड़ी लाल मीणा का क्या कदम होगा, अगला बीजेपी का क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था इंटरव्यू होने से एक दिन पहले, मुख्यमंत्री जी मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ पहले इनकी जांच करा लो तब इंटरव्यू चालू करो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई, ये स्थिति इन्होंने इंटरव्यू चालू कर दिया, तो ये स्थिति तो होनी थी जो आप बता रहे हो, 18 लाख पहले ले लिए, 7.5 लाख रुपए रेड हैंडेड एसीबी ने पकड़ लिया, ये बात सच थी, यही कह सकता हूँ। और मुख्यमंत्री जी को अब भी ये इंटरव्यू रोके, फुल बेंच के ढंग से सिंसियर लोगों के इसे इंटरव्यू करानी चाहिए, ये सब लुटेरे बैठे हैं, मैंने सुरत्री पर भी आरोप लगाए थे, पता नहीं मुख्यमंत्री जी उनको क्यों नहीं हटाते, वो भी सांसद जी आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि 2021 की जो परीक्षा हुई अब इंटरव्यू होने हैं तो उसको फिलहाल रोकना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा करना चाहिए, आप ये मांग रखते हैं?
मैंने मांग रखी है मीडिया के सामने। मैंने ये भी कहा था कि शिव सिंह राठौर ने जो ट्वीट किया 10 नंबर का था वो ज्योग्राफी का, वो ट्वीट जो किया वो पेपर में आ गया, जो पेपर बना रहा है वो ट्वीट करके पेपर को लीक कर रहा है। तो हमें शिव सिंह राठौड़ से कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करूंगा आपके चैनल के जरिए कि आप बहुत ईमानदार लोगों को इसमें लगाओ, ये रोको, लूट हो रही है, इस तरह इन लोग आरएस बनेंगे। आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, ये गोपाल केशावत जी को आप किस तरह से राजस्थान की राजनीति में उनके किरदार को और उनकी भूमिका और उनके योगदान को जानते हैं? मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं राजनीति में जिनको बोर्ड निगमों में आरपीएस में बैठाया जा रहा है, वो ज्यादातर का करेक्टर संदिग्ध है। तो ये गोपाल केशावत जी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो बिचौलिए थे उन्होंने गोपाल केशावत जी से मुलाकात कराई और ये हवाला दिया कि गोपाल केशावत जी के जानने वाले बोर्ड में बैठेंगे जी। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सही में इस तरह की बात रही होगी या फिर कहीं ना कहीं पैसे वसूलने के लिए इसी तरह की कहानी गढ़ दी गई हुई कि पैसे आ जाए और उसके बाद फिर पलट जाए? ये तो जांच का विषय है। देखो कई बार क्या होता है कि ये दलाल पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, सिलेक्शन हो गया तो अपनी जेब में, नहीं हो तो कुछ पैसे वापस कर देते हैं, लूटते हैं बेरोजगार बच्चों को, कई लोग ऐसे भी होते हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसका गहन चिंतन करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा जी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरोड़ीलाल